हर वीकेंड कपिल शर्मा और उनकी टीम कोई ना कोई धमाल जरूर मचा देते हैं। इस बार जब से कपिल शर्मा लौटे हैं, उनके चेहरे पर वही पुरानी वाली मुस्कुराहट लौट आई है। वो खुद भी खुलकर हंस रहे हैं और लोगों को भी खूब हंसा रहे हैं। हालांकि पिछले शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शो के दौरान कपिल के चेहरे से ये मुस्कुराहट गायब थी। शायद इसकी वजह ये थी कि जब कपिल शर्मा अपना पुराना शो लेकर आए थे तो उनके पास सिवाय कीकू शारदा के कोई और नहीं था, लेकिन इस बार कपिल के साथ कीकू और चंदन के अलावा भी दो बहुत बड़े कॉमेडियंस आए हैं जिनकी फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। कपिल शर्मा के साथ उनके दो दोस्त कृष्णा और भारती भी इस शो को नंबर वन बनाने में पूरी जान फूंक रहे हैं। लेकिन कल के शो में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्शन दें। कृष्णा अभिषेक शो के दौरान बार बार कपिल शर्मा के पैर छू रहे थे। दरअसल कल के शो में सनी लियोनी भी आई थी। बीते दिनों सनी लियोनी और कृष्णा अभिषेक का एक गाना रिलीज हुआ है। इस गाने में दोनों ने परफॉर्म किया है। उसी गाने के प्रमोशन के लिए सनी कपिल के शो में आई थी। अब पहले तो आप ये अंदाजा लगाइए, जब सनी इन दोनों बड़े कॉमेडियंस के बीच खड़ी हुई होंगी तो क्या हुआ होगा। सनी को पटाने के लिए दोनों कॉमेडियंस एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई कर रहे थे और इसी टांग खिंचाई में कृष्णा बार बार कपिल शर्मा के पैर छू रहे थे। ये इतना कॉमिक सीन था कि सेट पर हर कोई हंस रहा था। फिलहाल कृष्णा अभिषेक अब कपिल के शो में सपना के अलावा भी एक और करेक्टर लेकर आ गए हैं और ये करेक्टर है कप्पू के दादा का, जिनकी 50 से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं। फिलहाल आपको कल का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेलीविज़न और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।